हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लोकल वाला। मैं हूं प्रशांत। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा रहेंगे। चलिए, आपका भाई आज कुछ नया लेके आया है, नया लोकेशन लेके आया है। वो है गुलाबंदा के बीच के पास वाला गुलाबंदा का जो शिव मंदिर है, जो बीच के किनारे है। देखने के लिए अच्छा व्यू भी है, अच्छा लोकेशन भी है। और मंदिर का हर एक व्यू दिखाऊंगा आपको, और मंदिर के बारे में कोने कोने का तक पूछेंगे, जो कि ब्राह्मण जी है यहाँ पे, जो पुजारी है उनसे पूछ के हर एक डिटेल आपका सामने लेके आएंगे। चलिए चलते, इंतजार नहीं होता है, चलिए चलते चलते हैं यहाँ से मंदिर की ओर। हम निकले गड्डी लेके। टाइम देख सकते हैं 6 o'clock हो चुका है, हमें निकलना चाहिए अभी। हो गया, मेरा कैमरा भी सेट हो चुका है। अभी कैमरा थोड़ा सा लेवल कर देता हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं, टाइम हो गया है। यहाँ से हम घर से 15 मिनट्स लगता है। तो आपको गोपालपुर से या ब्रह्मपुर से आना है तो गोपालपुर से इधर आने के लिए 15 मिनट्स पड़ता है, और ब्रह्मपुर से आने के लिए हाफ एन आवर हो जाता है। हम तो अभी सूरज से पहले मंदिर की और मंदिर के पास पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि सनलाइट से अच्छा आता है व्यू। और अच्छा व्यू भी दिखाऊंगा रास्ते में, बहुत सारे व्यूज़ हैं अच्छे वाले। और ये गांव का नाम है गुलाबंदा, ये भी बहुत फेमस प्लेस है। यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाता है, मार्केटिंग कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे। हो गया है, और 2 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे मंदिर के पास। बहुत पास भी आ चुके हैं ऑलरेडी। लोकल वाला ग्रुप पूरा वहाँ पे स्टे कर रही है। मेरे को भी जल्दी से वहाँ पे पहुँचना है। पहुँचने के बाद जो व्यू देख सकते हैं आप, कितना बेहतरीन है एकदम। देख सकते हैं मंदिर का जो एंट्रेंस गेट है, बहुत पुराने का है यहाँ पे। और देख सकते हैं मेरे जो ग्रुप है पूरे यहाँ पे पहुँच चुका है। दिखाता हूँ सभी को आपको। हेलो गाइस, हाय 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 भैया, हाय कैसे हैं। चलो चलते हैं। देख सकते हैं मॉर्निंग का कितना जो सनलाइट गिरता है यहाँ पे, बहुत बेहतरीन है। आपको भी देखना चाहिए, एक बार विजिट करना भी चाहिए इसका, सनलाइट्स का, क्योंकि बहुत डाउन से एकदम बेहतरीन दिखता है। चलो मंदिर की दिखाता हूँ मैं अभी। चलते हैं मंदिर की ओर, और मंदिर के हर एक चीज़ देखेंगे। जो पुरातन गेट है यहाँ से शुरुआत करते हैं, हम आगे निकलेंगे। जो भी सामान लेके आए थे हम, ये पूरा पकड़ के हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। जो एंट्रेंस थे यहाँ से है, और वहाँ से देख सकते हैं आगे एंट्रेंस गेट है फर्स्ट वाला। ये वाला पहले का है एंट्रेंस गेट, जो कि बहुत पुराने का है, बहुत बहुत पुराने का। जब स्टार्ट हुआ था मंदिर से, यहाँ से एंट्री गेट होता था। आपको दूसरा गेट भी दिखाऊंगा। यह है दूसरा गेट, जो कि मंदिर का दूसरा गेट। अभी क्या है, सिंह द्वार है। यहाँ से अंदर चलेंगे। पहले थोड़ा सा निकाल लेते हैं, वीडियो शूट हो जाते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे। कितना मस्त व्यू है भाई, एक नंबर, एकदम ब्यूटीफुल। आपको भी इसका विजिट तो 100% करना है गाइस। चलो देख सकते हैं, स्टार्टिंग में नंदी जी हैं, उनके दर्शन करके आगे बढ़ेंगे हम नीचे की ओर। और जो कि मैं पहले बोला था आपसे कि मैं मंदिर के बारे में ब्राह्मण जी से पूछ लेंगे क्या है क्या नहीं। चले फिर एंट्रेंस से पहले पूछ लेंगे ब्राह्मण जी से इसके बारे में, उनको तो उतना पता नहीं है। ब्राह्मण जी को हर एक चीज़ पता है, उनसे ही पूरा पूछ के पता करेंगे। चलिए मेरे साथ। मंदिर यह मान बहु पुरातन, आपण जाणिथिबे श्री रामचंद्र अमर तृतीय युग, जहाँकि अगस्त्य मुनि ऋषि मान थे, प्रत्येक दिन समुद्र तटतटे परिक्रमा करते, जो रात हो जाए से जगह रहीकिना शिवलिंग गोटे आविर्भाव करती पूर्व दिन तापर दिन सका पूजा अर्चना करना पुनर्वार जात्रा गमन करते। तो ये हूँ अगस्त्य मुनि पीठ है। तो बहु पुरातन, तो ये समुद्र अंचल जानते सब तो बंद ही समुद्र माड़िकिना थी मरुभूमि अंचल ही तो ये आखपाख पांच सात जगह कथ
ଏଇ ଗାଈ ଚରା ତ ତଳ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମିନିମମ୍ ହୋଇଥିବ ପ୍ରାୟ 100 ଅଥବା ଏମିତି ପୁରାତନ ହୋଇଥିବ। ସେଇ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆସିନା ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର ହେଉଛି। କ'ଣ ସ୍ତନରୁ ତା ସିଏ କ୍ଷୀର ଝରି ଯାଉଛି ତ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ତାଙ୍କେ ପଡ଼ିଗଲେ କିଛି କ'ଣ ଅଛି ଏଠାରେ ନା କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତ ସେ ଗାଈର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେ ଗୌଡ଼କୁ କହିଲେ ଆପଣ ସେ ଗାଈଟା ନେଉଛନ୍ତି ନେଇକି ଗାଈର କ୍ଷୀର ବାହାର କରିକିନା ଆପଣ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଚଳିବାରୁ ମୁଁ। ତ ସେ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କ୍ଷୀର ବାହାର ଦେଇକିନା ପଳାଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ 5-7 ଲୋକ ଡାକିକିନା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଡାକିକିନା ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ତା ସେ କ୍ଷୀର ଝରୁଛି ସ୍ତନରୁ। ଆସିକି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଖୋଳତାଳ କଲେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପଥର ରୂପେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସବୁ ମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତଗଣେ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ବୃହତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କେ ଦେଖିକିନା କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ। ତ ସେଠୁ ସବୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆସିକିନା ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅଭିଷେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଅଛି। ତ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଯେ ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ କେମିତି ହେଲା। ଆଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଙ୍କେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମହାଦେବ ନା ଖାଲି ପଥରଟା। ତ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଗାଈ ଯେଉଁ ଆସିକିନା ଏଠାରେ କ୍ଷୀର ଦେଇକିନା ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳା ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳା ଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ଗୋଟେ ମିରେକଲ୍ ମାନେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କେ ଲଜିକ୍ ଯାଇ ବୁଝିବେନି। ତ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଯଦି ବା ଏଇ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଯଦି ମହାଦେବ ତ ମୋର ଏ ଗାଈଟା ଧଳା ହେଇଯିବାର ଅଛି, ଧଳାବର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିନା ରହିବାର ଅଛି। ତ ସେଇ କ୍ଷଣି ତା'ର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କେ ମନସ୍କାମନା କଲେ ତା'ର କିଛି ସମୟ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧଳା ରୂପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତ ସେଠୁ ଧବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଏବଂ ପୁରାଣ ପୁରାତନ କାଳର କଥା ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତ ଅଜ୍ଞାତ ଏ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଜାଣେ ଯାହାକି ଆମର ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଅମଳରେ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତ ଶୁଣିବାରେ ହିଁ ଏହିସବୁ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନା ଏଠାରେ କରିକିନା ଯାଏ ସଦାସର୍ବଦାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଅଛି ଆଉ ସେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବର୍ଗ ଅଥବା ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଣାନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍ତେ ଗୁରୁଜୀ। जो कि हम लोग लेके आए थे मैगी मॉर्निंग, हमारा ब्रेकफास्ट जो है बहुत बेहतरीन हो रहा है, देख सकते हैं कितना मस्त है। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप कैसा है मैगी हमारा बनाया हुआ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। चलते हैं मंदिर का व्यू दिखाता हूँ आपको पूरा टोटली, जितने मंदिर से यहाँ के टेम्पल का जो धवलेश्वर का हर एक चीज़ दिखाऊँगा। चलिए मेरे साथ। जैसे कि ब्राह्मण जी ने बताया कि बहुत पुरातन मंदिर है, देख सकते हैं कितना बेहतरीन डेवलपमेंट्स बहुत सारे हो चुके हैं और भी करना चाहिए। और जो एंट्रेंस का गेट के अंदर जो घंटियां हैं और मंदिर का जो बहुत पुराने ये मूर्तियां हैं बहुत अच्छे लगते हैं विज़िट करने में, ज़रूर आप लोग को भी करना चाहिए। जैसे कि आप अंदर जाओगे मंदिर के अंदर पहला नंदी दिखेंगे। अभी मंदिर के अंदर जाएंगे जो कि बहुत नीचे, जब ये आया था ब्राह्मण जी ने बताया था कि जैसे कि मिट्टी के नीचे से आए थे भगवान, उसको मैं दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। चलते हैं मंदिर के अंदर, बहुत अंधेरा है, कोई बात नहीं, हम जाएंगे। ब्राह्मण जी पूजा कर रहे हैं।
कि ब्राह्मण जी ने बताया था कि जो गाय आके जो शिवलिंग का ऊपर जो अपने आप दूध डालता है, जो कि इसी लिंग का ऊपर डालता है, देख सकते हैं। जैसे कि मंदिर में आप मनोकामना से पूजा करते हैं, आपकी मनोकामना पूरा होके होता है बोल के ब्राह्मण जी ने बताया था। आप ज़रूर आके कोशिश कीजिए कि आपका भी कोई भी विनती होगा तो वो पूर्ति हो। शिव जी का तो दर्शन हो चुका है, और भी भगवान के दर्शन करेंगे। यह है गणेश भगवान जी। और भी भगवानों से मिलते हैं। यह है श्री कार्तिक स्वामी की। चलिए संतोषी माता की दर्शन करेंगे अभी। जय संतोषी माता। देखते हैं कितना पुरातन मूर्तियां हैं। अभी चलेंगे पार्वती जी माता के पास, वहां का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद जो कि सभी भगवानों का दर्शन हो चुका है, अभी साई बाबा टेम्पल आ चुके हैं। देख बहुत अंधेरा लगता है, चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं अंधेरा है क्या। जैसे कि धीरे धीरे हम जा रहे हैं तो ऐसे उजाला होते जा रहा है, कोई बात नहीं, हम अच्छे से दिखाएंगे प्रिंट आपको। जय साई राम। आप भी बोल सकते हैं मेरे साथ। साईबा मंदिर से आके हम चलेंगे राम मंदिर के पास, उसके करीब है ये टेंपल भी, हम अंदर जाके दिखाएंगे आपको। बाहर से एकदम मस्त व्यू है, जो टाइमिंग पे आए थे वो भी एकदम बेस्ट टाइमिंग है, और देखने की भी बहुत बेहतरीन भी है लोकेशन। आप यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बहुत बहुत अच्छा हो सकता है, यहाँ पे आप भी बना सकते हो, बहुत बेहतरीन होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, फैमिली का पिकनिक स्पॉट है ये। जैसे कि राम जी का दर्शन हो चुका है श्री राम का, आज चलेंगे हनुमान जी के पास।
उसके पहले थोड़ा सा रास्ता है वो थोड़ा सा दूर पड़ेगा यहाँ से, थोड़ा सा 200 मीटर की दूरी पे रहता है हनुमान जी का टेंपल, चलेंगे वहाँ पे। यहाँ पे जो मेला होता है बहुत बड़ा सा होता है, अब शिवरात्रि हो संक्रांति हो ये पूरा बनता है फेस्टिवल्स, आप ज़रूर विजिट करना उस टाइम पे। ये जो दीदी है ये बहुत बचपन से यहाँ पे बेचती आ रही है, यहाँ इसी मंदिर के पास देख सकते हैं, जब भी आएंगे इसी आंटी के पास खरीद लीजिए। और चलेंगे हनुमान मंदिर के पास, देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ ऑरेंज कलर के, और रहेंगे घर में जो भी रहता है हर एक चीज़ ऑरेंज 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 रहता है। देख सकते हैं साइड पे हनुमान चालीसा है, जरूर पढ़िए वहाँ पे, आपको भी कहीं मतलब शांत लगेगा, मन शांत लगेगा। देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति जो पुरातन से चल के आ रहा है, इसके पूजा करके आ रहे हैं, यहाँ का उतना भक्ति श्रद्धा से हम पूजा करेंगे, उतना हम जो भी हम विनति मांगते हैं हर एक चीज़ होता है यहाँ पे, जरूर कोशिश कीजिए आपका भी मनोकामना पूरा होगा। जो भी ये नारियल है भगवान को समर्पण करने के लिए बहुत सारे नारियल रखे गए हैं, और जो कि नारियल का पानी हम पियेंगे तो बहुत अच्छा भी रहता है, मंदिर में देते हैं प्रसाद की तरफ से, बहुत अच्छा रहता है, आप भी एक बार ट्राई करिए प्रसाद का, बहुत अच्छा भी लगेगा। ये है जो कि पंडित जी का घर, मैं बोला था आपको बहुत ऑरेंज टाइप के ही रहेगा सब कुछ, देख सकते हैं बहुत ऑरेंज टाइप रहता है, बहुत अच्छा लगता है। अंदर नहीं चलेंगे, बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए इसी मंदिर के पीछे एक बड़ा सा नदी दिखाऊंगा आपको, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से आप स्नान करके आप मंदिर की ओर जा सकते हैं, आके आप भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, एक बार स्नान करने से बहुत अच्छा भी लगता है। आपको यहाँ पे खाना वाना बनाना है तो यहाँ पे हर चीज़ का मिल जाएगा फैसिलिटीज़। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपका भाई का चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। एंड मे बी और भी बहुत सारे टेम्पल आपको विजिट करके दिखाऊंगा, वहाँ का लोकेशन जो भी है हर एक चीज़ बताऊँगा, आपको शेयर करूँगा। ये वीडियो यहाँ तक एंडिंग हो जाती है, मिलते हैं अगले वीडियो पे, आप ठीक ठाक रहिए, बाय।